दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए वीडियो बनाने लगा हूँ। A9 FTY कैमरा, 180 मेगापिक्सल इसकी रेजोल्यूशन है। IP कैमरा है ये। मोस्टली लोग इसको स्पाई करने के लिए यूज़ करते हैं। आप इसको अपने किड्स के रूम में, अपने ऑफिस स्टाफ के रूम में, किसी भी वर्क प्लेस पर लगा सकते हैं। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने इसको अपने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो चलें जी, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। इसका पैकेज खोलते हैं तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। एक इसकी चार्जिंग केबल है, ये चार्जेबल कैमरा है। आपने इसकी बैटरी चार्ज करनी है और आपने इसको कहीं भी माउंट कर सकते हैं। ये इसका माउंट है जो इसको 360 डायमेंशन पे रोटेट हो सकता है। ये ऐसा आप देख सकते हैं, ये ऐसे ये रोटेट होता है। इसकी स्टिकी टेप है पीछे, आप इसकी स्टिकी टेप उतार के कहीं भी लगा सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर या कहीं भी दीवार के साथ, प्लास्टिक वाली जगह पर, फ्रिज के ऊपर, वॉशिंग मशीन, वट एवर, वॉल क्लॉक, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं आप इसको लगा सकते हैं। ये हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारे अंदर ये जिसका कैमरा है, टिनी साइज कैमरा है। आप देख सकते हैं इसमें दो बटन है, एक मोड का बटन है और एक ऑन ऑफ का बटन है। और ये इसके अंदर छोटी सी इसकी कैटलॉग है, ठीक है। कैटलॉग के ऊपर बार कोड बना हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करके हम इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिससे हमने इसको कॉन्फिगर करना है। और अब क्विकली देखें इसके बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। एक आई का निशान बना हुआ है, हम लाइव व्यू कर सकते हैं। HD रेजोल्यूशन की वीडियोस रिकॉर्ड होंगी और हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम पे भी देख सकते हैं और हम लाइव अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। हमारे मोबाइल पे इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अभी। ये TF कार्ड भी इंसर्ट हो सकता है इसमें। इसकी जो वीडियो की स्टोरेज है, इस TF कार्ड में स्टोर हो सकती है। आप इसको जितने भी मर्जी GB का डाल लें, होपफुली ये 16 और 32 GB तक सपोर्टेड है और मैक्सिमम फॉर दैट आल्सो। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है जो एंड्रॉयड केबल के साथ मिलती जुलती है, बिल्कुल सेम वैसी ही है। उसके नीचे इसकी क्लाउड स्टोरेज भी है और उसके बाद इसमें कुछ फीचर्स हैं, WDR, और इसका जो FPS है वो 20 फ्रेम पर सेकंड है। चलें इसको अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले आपने इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसको डाउनलोड करने का तरीका ये है, आपने कैम ऑन करना है। ये मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, FTY कैम प्रो, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने कैम ऑन करके हमने इसका QR कोड स्कैन करना है तो हमें ये डायरेक्टली उस पर लेके जाएगा ऐप स्टोर पे या एंड्रॉयड के गूगल प्ले पे। तो हमारा iOS है तो मैं इस पर iOS पे क्लिक करता हूँ तो हमें ऐप स्टोर पे ले गया। ऐप स्टोर पे लेके जाएंगे, जो FTY कैम प्रो है, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है तो इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल करेंगे बाद में ओपन आएगा, तो ये इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, ऐसे देखने में मिलती है हमें। ये देखिए जी, हमारी ये ऐसी एप्लीकेशन सामने आ गई। इस पर एक ऐड आएगा, आपने ऊपर कंटिन्यू टू ऐप कर देना, वो ऐड बंद हो जाएगा क्योंकि इस कंपनी ने इस एप्लीकेशन पे ऐड भी चलाए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने इसका ऑन ऑफ का बटन प्रेस करना है, तो मैं अभी इसका ऑन ऑफ का बटन प्रेस करने वाला हूँ। जैसे मैंने ऑन ऑफ का बटन प्रेस किया, ये दोनों लाइटें ब्लिंक करना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है हमारा कैमरा स्कैनिंग मोड में है, सेटअप मोड में है। तो हमें इसको डिस्कवर करवाना है इस एप्लीकेशन में। मैं इधर स्क्रीन पर टच करता हूं तो ये तीन ऑप्शन देखने को मिलती है। आपको मेक श्योर करें कि आपका जो ब्लूटूथ है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ और वाईफाई के साथ हम कैमरा चलाएंगे। ये आज हम इसको अपने वायरलेस राउटर के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे और हम इसको घर से बाहर बैठकर भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी इसके लिए मैं इसके फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसने मेरा नेटवर्क जो मेरे मोबाइल के साथ अटैच है वो फाइंड कर लिया है। डाउनटाउन नाम है नेटवर्क का। तो इसका पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद 05 मैं अपना पासवर्ड डालने वाला हूँ अभी इसमें। और उसके बाद हम देखते हैं इस सर्चिंग करने का बोल रहा है, वेट करें, 100% स्कैनिंग कंप्लीट होगी तो ये कैमरा इधर डिस्कवर हो जाएगा। इसको डिस्कवर करते हैं कैमरे को और बाद में हम इसको लाइव इसका व्यू चेक करेंगे। इसको ये हो रहा है। इसका मीन वाइल मैं ये लगा देता हूँ, इसका माउंट ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे माउंट लगाएंगे इसका जो 380 तक जाएगा। ये देखिए ऐसे माउंट लगेगा इसका, ये जहाँ मर्जी इसको रोटेट कर लें, ठीक है गाइस। अभी इसके हमारा कैमरा भी नीचे एप्लीकेशन में फाइंड हो गया। मैं इस पर टच करता हूँ ऑप्शन पर, कॉन्फ़िगर डिवाइस FTY इसका नाम है। ये मैसेज दे रहा है सेविंग सेटिंग सेव हो रही है। जो लाइटें ब्लिंक कर रही थी वो स्टॉप हो गई हैं अभी। और देखें, और हमारा ये जो कैमरा है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। मैं भी इस पेज हमारे FTY कैम प्रो की एप्लीकेशन के अंदर अपीयर हो गया। मैं इसको टच करता हूँ तो आप देखें ये हमें लाइव व्यू दे रहा है। आप देखें इसका ये जो है, इसका रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है बट आप इसको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी को स्पाई करने के लिए। और देखिए मेरा फ़ोन भी आ रहा है सारा।
बहुत टिनी साइज़ कैमरा है ये गाइस, मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप अपने किड्स को मॉनिटर करना चाह रहे हैं या कोई चीज़ किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो वेरी यूज़फुल। और प्राइस इसकी बहुत लो है, इतनी कम प्राइस है कि आपको लोकल मार्केट से भी सस्ता अमेज़ॉन पे, ईबे पे, अली एक्सप्रेस पे और मिल जाएगा, ये इतना महंगा नहीं है। इसके एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि इसके जो मेन फीचर्स हैं वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये इससे लिखा हुआ है कि रोटेट, बट ये रोटेट नहीं होगा, इसको हम हाथ से ही रोटेट करना पड़ेगा, पीजेड कंट्रोल नहीं है, बस इसमें बटन दिया हुआ है। बिकॉज सेम एप्लीकेशन में, सेम कैमरे में ऑटोमेटिक रोटेटेबल कैमरे भी आते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी ये देखें, मैं इसको ऐसे करने से कुछ भी नहीं हो रहा, ये ऐसे इसने अभी कर रहा है। ये हमारी मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड अभी है नहीं इसमें, जिसमें इसलिए वीडियो स्टोर नहीं हो रही। तो उसके बाद ये हमारा ये आ गया, इसमें माइक रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, आप इसको दबा के रखें। हेलो हेलो, 1 2 3 4, हेलो, मैं इसको बोल रहा हूँ, अभी देखते हैं कि ये रिकॉर्ड होता है कि नहीं। हेलो, हेलो। ये देखें, ये माइक ऑन किया है तो मैं इससे बोल रहा हूँ, टू वे कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। अभी पास होने की वजह से वॉइस और इरिटेट कर रही है तो मैंने अभी माइक इसका बंद कर दूंगा, माइक मैंने इसका बंद नहीं है, माइक ऑन है, इसको ऑफ करना है। वो देखते हैं कैसे करते हैं, अब इसको हाथ को हटाएं यहाँ से, अभी ये रिकॉर्डिंग का बटन दबाने से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, ठीक है गाइस। ये रिकॉर्डिंग करेगा अभी, और ये रिकॉर्डिंग 7 सेकेंड, अभी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो गई है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ये जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है अभी, ये सेव हो चुकी है, ये देखें। इसके पिक्चर भी मैंने ली है, पिक्चर भी ली है, इस एप्लीकेशन से आप पिक्चर ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये मोबाइल के अंदर स्टोर हो रही है, अब बाद में अगर आप मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो मेमोरी कार्ड में भी स्टोर हो जाएगी। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इसके कैमरा के। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है इसको लेके तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो जब पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो गिव अ बिग थम्स अप ऑन माय वीडियो, लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट।